मुझे वो दिन याद है जहाँ मैं इतना नर्वस रिया करता था, बहुत ही इंट्रोवर्ट था, लेकिन सर ने मुझे इतना कंफर्टेबल इमिजिएटली कर दिया था कि यू नो सर इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग फ्रॉम योर, एक्टिंग बिगिंस फ्रॉम योर, एंड आई थिंक वो मैं इन बच्चों में भी देख रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट टू देम एंड अ गुड फीलिंग टू बी बैक. एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ एक्टिंग के साथ साथ एक अच्छा इंसान, एक नेक इंसान भी बनना सिखाया गया. ये सिखाया गया कि एक प्रोड्यूसर कितने इम्पॉर्टेंट है, एक डायरेक्टर कितना इम्पॉर्टेंट है, हर जो फिल्म मेकिंग से जुड़ा हुआ जो टीम जो हम कहते हैं लाइटमैन से लेके सब कितने इम्पॉर्टेंट है, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू सिट टुगेदर एंड वर्क एज अ टीम टू मेक अ फिल्म सक्सेसफुल. और वही हम देख रहे हैं आज भी कि यू नो इट्स ओनली अ सक्सेसफुल टीम दैट मेक्स अ सक्सेसफुल फिल्म. आई थिंक इट्स ऑलवेज, जैसे कहते हैं कि शुरुआत और अपब्रिंगिंग एक तरीके का अपब्रिंगिंग है, जैसे अपब्रिंगिंग आपके घर में है वैसे अगर आपकी इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक्टिंग की बैकग्राउंड सही हो तो आप सीखते रहते हो. एंड आई थिंक आई एम एज एक्साइटेड, आज भी मैं शूटिंग के लिए जाता हूँ और सीन करना होता है तो नर्वस रहता हूँ, तो आई थिंक माई बिगनिंग वॉज गुड. वो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता क्योंकि मेरी जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी इतनी दूर पहुँच पाऊँगा. आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल हाउ हार्ड दे विलिंग टू वर्क और लक फैक्टर कितना है, कितना अच्छा ब्रेक मिलता है उनको. उनकी शुरुआत तो अच्छी है, ट्रेनिंग तो अच्छी है, तो होपफुली अगर सिंसियर रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी. मेरी जिंदगी में ऐसे ही होता है, यू एडुकेट योर सेल्फ टू गेट रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड, और यही एक एडुकेशन है जहाँ आप असली दुनिया के लिए तैयार होते हैं. बट इट्स समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक्टिंग को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते. यू मे बी अ गुड लुकिंग गाय, आप बहुत ही खूबसूरत इंसान होंगे, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि वो सक्सेस उससे आपको सक्सेस मिलेगा. और लेकिन एक अच्छा एक्टर अगर हो और उसकी उसकी बैकग्राउंड सही हो और उसकी उसकी फाउंडेशन सही हो तो आई थिंक यू नो इतनी बड़ी दुनिया है, यू नो देयर सो मेनी डिफरेंट मीडियम्स दैट यू कैन ईजिली सक्सेस गेन सक्सेस समवेयर और द अदर. पहली फिल्म के बाद तो मुझे लोगों ने राइट ऑफ भी किया था कि नहीं ये एक्टर बनने के लायक नहीं है, लेकिन मैंने उसे नेगेटिव नहीं लिया, पॉजिटिवली. हर क्रिटिक को हमेशा पॉजिटिव नज़र से देखता हूँ और पढ़ता हूँ, और जब सोचता हूँ कि हाँ वाकई यू नो मुझे इम्प्रूव करना है, मेरी डिक्शन में इम्प्रूव करना था, परफॉर्मेंसेज में इम्प्रूव करना था, कैमरा मुझे कैमरा एंगल सीखना था, मेकअप सीखना था, मैं पॉजिटिव लेकर सीखता गया. और आज ये नहीं कहूँगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टर हूँ, लेकिन सक्सेसफुल हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, और अलग अलग किरदार निभाने का शौक भी रखता हूँ और चाहता भी हूँ कि अलग अलग किरदार करूँ. आई वॉज वेरी सेफ डूइंग एक्शन रोल्स, लेकिन मैंने तब डिसाइड किया कि नहीं मैं एक्शन के अलावा कुछ और भी करूँगा. पर्सनली देखिए मैं अगर मेरा मैं अपना किसी को अपना हीरो मानता हूँ तो मेरे पिता को, मेरे पिताजी को, क्योंकि 9 साल की उम्र में मैंगलोर से भाग के बम्बई आए थे और अनएडुकेटेड थे कहूँगा, आज नहीं कहूँगा क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस इतनी है कि इट्स अनबिलीवेबल. उन्होंने 3 या 4 जगहों पर काम किया, आज उन्हीं 3-4 जगहों के मालिक है वो. सो इट सेज अ लॉट अबाउट हिज जर्नी, और मैं उनको आइडलाइज करके आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वो बच्चे से लेके हर एक को उतनी रिस्पेक्ट देते जितना वो शायद अपने गुरु को देते हैं, विच इज़ आई थिंक आई कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल बैकग्राउंड एंड इसलिए उन्हें अपना सब कुछ मानता हूँ.